हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को 4 जून के बाद मिलेंगे स्कूल। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नए सिरे से स्कूलों का आवंटन होगा। यह आवंटन 4 जून के बाद होगा। शिक्षा विभाग फिलहाल उनकी काउंसलिंग की तैयारी कर रहा है। अभी शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की जानकारी मांगी है ताकि रैंडमाइजेशन के लिए तैयारी की जा सके। सक्षमता परीक्षा पास हर शिक्षकों को किसी दूसरे स्कूल में ही योगदान दिलाया जाना है। विभाग इस दिशा में बहुत जल्दी ही जरूरी गाइडलाइन जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद स्कूल में योगदान करने की तिथि से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा के समय ही सभी शिक्षकों से उनकी पसंद के 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास हुए हैं वो भी राज्यकर्मी बन गए हैं और उनका स्कूल में योगदान जो है वह चुनावी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद यानी कि 4 जून के बाद ही संभव हो सकेगा और इस बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक्स दोस्तों।